स्पोर्टिंग का अभी तक क्लियरेंस नहीं, खेल शुरुआत हो चुका है। एक बड़ा मैच कहा जाएगा इस टूर्नामेंट का आज का। विकास नायक जैसे खिलाड़ी फुलचंद महली कमाल का स्ट्राइकर है, पिछला सत्र आज भी ताजा हुआ रहा होगा हमारे दर्शकों का। एक अनोखा दबदबा कायम किया था फुलचंद महली, कमाल का खिलाड़ी है, उनका बॉडी लैंग्वेज लाजवाब है। बीएमएस बोर्डिंग का अभी तक क्लियरेंस नहीं आया है। चार गोल दे दिया, एक बड़ा मैच शुरुआत हो चुका है। विकास नायक हमेशा जैसे हमेशा की तरह जर्सी नंबर 5 में, फुलचंद जर्सी नंबर 10 में, पिछला सत्र याद होगा 10 नंबर जर्सी पहनकर ही हमेशा खेलते हैं, ये फुलचंद की खासियत है। घनश्याम के हमेशा की तरह जर्सी नंबर 5, विकास नायक की अगर बात करें 11 नंबर जर्सी हमेशा ये उनके अंदर। फुलचंद के साथ दो खिलाड़ी को चीते हुए प्रयास किया था आगे बढ़ने के लिए। ये फुलचंद कमाल का रिसीव हल्के से पुश किया गया, फूटे आज भी स्ट्राइकर की भूमिका में फुलचंद। ये बीएमए स्पोर्टिंग काफी आधा से ज्यादा युवा खिलाड़ी है। सभी धुरंधर खिलाड़ी मृत्यु की ओर से चलाओ चंद्रा बेड़ा के गेंद के साथ फुलचंद को टारगेट, बिल्कुल अच्छा स्किल है उनके पास, कमाल के पास। इसी मौके की तलाश, कमाल के पास के वक्त पास अपील आया हूं, इशारा आया रेफरी का। ये वो टीम है जो पिछले सत्र की अगर बात करें तो गानों का दबदबा कायम किया था ऋषि में गुरेल ने। गेंद छोड़ा, रंगलाल अच्छा हेडर, विकास नायक इनके काफी शुमार। ये धनहस्ता फुलचंद के लिए खेला है, हेडर आता है फुलचंद का। धानो थोड़ा सा वक्त लिया, लेफ्ट विंगर को हल्की से पुश किया मिड फील्ड की ओर, अच्छा मौका। विकास गेंद के साथ कमाल कर सकता है, वो काफी जो थे उनमें। ये विकास घातक खिलाड़ी फुलचंद, विकास धानो हंसदा, ये सारे दिग्गज आज मौजूद है मार्शल किला मुर्कुम में। इस बार बीएम स्पोर्टिंग मौका बन सकता है, यहां पर युवा खिलाड़ी है सब, युवाओं का जोश कब रंग लाए किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा पास किया है, थोड़ा सा ताकत पर शुरू। बीएम स्पोर्टिंग थोड़ा सा मार्शल क्लब को खिलाड़ी को
मिजाज को पढ़ते हुए परखते हुए कि आज के मिजाज से उतरे ही थे इनके साथ। इसके बाद अंतिम खेल लेकर आएंगे केरला ब्लास्टर वर्सेस हैमब्रॉम स्पोर्टिंग तुमसा। हैमब्रॉम स्पोर्टिंग तुमसा वर्सेस केरला ब्लास्टर के इसके बाद वाला मैच यानी पहले चक्र का अंतिम खेल डीएम स्पोर्टिंग अटैकिंग मोड पर लौटता हुआ थोड़ा सा जान चुका है मार्शल क्लब को आसानी से देना। फुल चार गेंद के साथ लेफ्ट फुटेड गेंद को आगे बढ़ाया है भीम के लिए खेला है मौका बन सकता है वहां पर बीच करने के प्रयास वहां पर अभी तक बॉल जीतने में सफलता अर्जित किया है दो दो खिलाड़ी को छकाने का प्रयास वहां पर इस बार बॉल जीतने में असफल रहा। अभी भी थी कमाल का खिलाड़ी दो दो खिलाड़ी को बीच करने के उपरांत भेजा है बिल्कुल डी एरिया के अंदर विकास मोड उतारेंगे विकास केंद्र तक पहुंचने में सफल रहा। अब धीरे धीरे खिलाड़ी छोड़ता हुआ लंबा रन आपके साथ विकास गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया है इस बार बॉल जीतने में सफलता की विकास लंबा सफल तय करने के उपरांत शूटिंग करने का प्रयास किया था हुआ विकास के लिए असफल रहा इसका लाभ मिला है डीएम स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को। अरे फुलचंद महाली का बहुत ही सुंदर गोल। आगाज हो चुका है प्लास्टिक आगाज हो चुका है फुलचंद के पैरों से वो कहर ढाने का शुरुआत हो चुका है पिछला सत्र का पुनरावृत्ति हो चुका है यहाँ पर फुलचंद के द्वारा। मैं शुरुआती क्षण में जिक्र करते आ रहा था कि फुलचंद वो खिलाड़ी है आइकॉनिक खिलाड़ी और वो रूप देखने का शुरुआत कर चुका है फिर से एक बार आज इस सत्र में भी कहर ढाने के लिए भी गेंद के साथ कमाल का खिलाड़ी आनंद का स्किल है उनके पास अब बॉल जीतने का सफल रहा हालांकि अभी भी कोशिश जारी है स्ट्रगल करते हुए यहाँ पर भी इस पर तुरंत से बीट हुआ सभी का चाहते खिलाड़ी फुलचंद बहली विकास नायक घनश्याम मुर्मू थानो हजवा ये खिलाड़ी को कौन भूल सकता है अगर 2022 की प्रतिस्पर्धा को याद किया जाए तो घनश्याम की तो ये ठाकुर किसकू का दूसरा गोल कमाल का शुरुआत किया है बार्सा क्लब मुर्गू की अगर बात करें दो सीमियों की बढ़त ले चुका है अभी तक जो जो आपने आपको प्रबल दावेदार मान रहे थे वो सारे टीमों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है ये फुलचंद विकास जैसे खिलाड़ी का उपस्थिति में सभी कप्तान सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा
ये पिछला सत्र का कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति का आगाज हो चुका है मार्शल कलाम गुरुकुल के द्वारा। ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट काफी प्राचीन प्रतियोगिता है फुटबॉल की इस क्षेत्र का। हर एक खिलाड़ी का एक सपना सा होता है, ख्वाब सा होता है, दिल का मन्ना होता है कि कब हम विश्व मेमोरियल के इस सुंदर और जानदार मैदान पर अपना गर्व जलवा दिखा सकें, परंतु हर एक खिलाड़ी का ये सपना ये ख्वाब पूरा नहीं होता। ये मैदान की खासियत है कि हर एक बड़ा बड़ा खिलाड़ी को खींच कर लेकर आता है इस टूर्नामेंट में, वरना फुलचांद महली जैसा विकास नायक जैसा धुरंधर को देखना हर एक दर्शकों का भी दिल तमन्ना होता है जो विश्व मेमोरियल इस मैदान पर पूरा होता हुआ। दो शून्य की बढ़त थोड़ी सी साइकोलॉजी के दबाव में बीएमएस स्पोर्टिंग के खिलाड़ी, हालांकि युवा खिलाड़ी उभारने का प्रयास यहां पर स्ट्रगल करते हुए बीएमएस स्पोर्टिंग के खिलाड़ी फिर से एक बार गोल स्कोरिंग का संभवतः लाभ लेगा यहाँ पर भीम गेंद के साथ, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में गोल स्कोर वही अहमियत रखेगा। भाई विकास नायक शूटिंग के लिए लंबा अनुभव है, शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस बार जिस एसिस्ट के लिए जाने जाते हैं और गोल दागने के लिए असिस्ट बड़ी अहमियत रखता है, काफी महत्वपूर्ण होता है और इसी के लिए माहिर ध्यान रखता। लंबा सीटी आया शुरुआत हो चुका है, फुलचांद के पैरों से शुरुआत होता हुआ। अब देखना होगा सेकेंड हाफ में क्या ये गोल स्कोरिंग का जो प्रावधान रखा गया इस टूर्नामेंट में उसका लाभ लेना चाहेगा यहाँ पर विकास नायक, उसका एडवांटेज लेना काफी कारगर साबित हो सकता है क्वालिफाइड राउंड के लिए, क्योंकि ये जो गोल स्कोरिंग का प्रावधान है यह आपका पूरी करते हुए आपको सेमीफाइनल में प्रवेश करना है मौका बन सकता है। 2-0 के बढ़त है, हालांकि इससे पहले भी 3-0 के बढ़त लेकर फुलचांद गेंद के साथ यहाँ पर झपके नियंत्रण खोया, वहां पर मौका बन सकता था गोल स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए और उसका एडवांटेज विकास के पहले से अचूक पार काफी लंबा अनुभव है। शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक सशक्त परिपक्वता है उनमें, ऊर्जा है, गति है, अनुभव है, हर एंगल से खड़े उतरते हैं। ये एक कंप्लीट फुटबॉलर कहा जाएगा विकास नायक को। कमाल का शूटिंग, चंद पलों में निर्णय ले लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाने में माहिर विकास नायक। कमाल का शुरुआत हुआ है यहाँ पर मार्शल कलाम गुरुकुल की अगर बात करें 5 नंबर जर्सी में घनश्याम, पिछला सत्र काफी प्रभावित किया था, कमाल का शूटिंग, शूटिंग की तारीफ करनी होगी यहाँ पर बीएम स्पोर्ट्स की। पिछला सत्र काफी प्रभावित किया था घनश्याम, फुलचांद, विकास नायक, ये कमाल के खिलाड़ी रहा। विश्व मेमोरियल का अगर 2024 की प्रतिस्पर्धा का विकास नायक का चेस्ट डाउन, ये घनश्याम 5 नंबर जर्सी में फाउल करार देती हुई, इसके बाद अंतिम खेल लेकर आएंगे कैला ब्लस्टर वर्सेस हेमब्रॉम स्पोर्टिंग तुमसा, हेमब्रॉम स्पोर्टिंग तुमसा वर्सेस कैला ब्लस्टर, दोनों टीमों के कप्तान अब अपने खिलाड़ियों को तैयार रखेंगे। कैला ब्लस्टर वर्सेस हेमब्रॉम स्पोर्टिंग तुमसा, और जो मुख्य डिफेंडर की भूमिका में रंगलाल, भानों का लंबा पास, ये है विकास गेंद के साथ हल्के से पुश किया हमें शाम के लिए, कमाल की जोड़ी करीब जाने की कोशिश यहां पर
पटाखे नहीं ली तो कत नंबर अच्छा पता है डर ये फुलचाद का काम फुलचांद महादी का ये दूसरा फुलचांद भी ऐसा काम कर सकता है। 3-0 की बढ़त आज का कमाल करता हुआ सभी टीम एक के बाद एक बार रिकॉर्ड कायम करता हुआ आज दोनों काम पार होता हुआ बारिश होता हुआ मानो बारिश आ गया है गोलों का। हर एक मैच में ज्यादातर गोल स्कोरिंग होता हुआ सभी कप्तान का यही दिमाग में चल रहा होगा गोल स्कोरिंग का जो प्रावधान है उसका एडवांटेज लिया जाए और वो भी क्यों ना हर संभव हो कोशिश रहेगा क्योंकि सीधे गोल स्कोरिंग के जरिए घनिश्याम गेंद के साथ एफुटेड पास किया फुलचान के लिए खेला गेंद को धकेला मिडफील्ड की ओर यहां पर धानो वहां पर बीट हुए बॉल जितने में सफल रहा रंगलाल के लिए सीधा मौका क्लियरेंस में जाएंगे। जी हां बिल्कुल लॉन्ग रंगलाल का क्लियरेंस आता हुआ फुलचान गेंद पर झपके थे हालांकि थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए मौका बन सकता है इस बार विकास नियंत्रण में नहीं रख पाए अपने आप को शरीर का नियंत्रण खोया वहां पर विकास नहीं रंगलाल कहां कैसे क्लियरेंस भालो घनिश्याम गेंद के लिए जाना चाहते थे बाद में इरादा बदला फुलचान के लिए छोड़ा वहां पर अब जाके घनिश्याम ये तीन खिलाड़ी आज काफी दरमोदार तीन शून्य की बढ़त हो चुका है। मार्शल क्लब मुर्कुम की अगर बात करें चौथा गोल
मैच का अंतिम पड़ाव है केरला ब्लास्टर वर्सेस हैमरम स्पोर्टिंग तुमसा। दोनों टीमों के कप्तान मार्शल का हैमरम स्पोर्टिंग तुमसा वर्सेस केरला ब्लास्टर। आप अपने खिलाड़ियों को सीमा रेखा के करीब लेकर आए, अंतिम पड़ाव है, ये मैच का समाप्त होने की कगार पर है। एक बड़ा मैच।